नहीं प्लीज, मैसूर वालों की तरफ से एक छोटा सा मैसूर की मेहमान नवाजी और मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। तो भाई साहब क्या लग रहा है, 5-star 7-star होटल है? और एक बात बोलो, हॉस्पिटल मैं रहता हूँ त्राल में, त्राल पुलवामा। वहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना, इतना गंदा बेड होते हैं, इतना गंदा मेंटेनेंस होता है। क्या जी, कहाँ वाले थे? मैं आपको क्या लगता है? वैसे लोग कश्मीर का नाम सुनते ही बड़ा खुश हो जाते थे। बढ़कर कोई तोहफा ही नहीं है। तोहफा एक बहुत बड़ी इज्जत होती है दुनिया में, और जब यही तोहफा दुनिया और आखिरत बना दे तब बात ही कुछ और है। एक बात है ना, लाइफ जैकेट तो पहन लिया, अगर गिर भी गए ना मगरमच्छ खा जाएंगे। फुल शांति है ना। ये देखो भाई कितना खूबसूरत दिखता है ना ये। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत करते हैं आप सबको इंडिया राइड के और एक व्लॉग में। तो बात करते हैं आज दिन की। आज है जुमा भाई, आज पढ़नी है नमाज पहले, और आज है हम मैसूर में। ये है जी बाहर का नज़ारा। आज तो बारिश नहीं है, लेकिन बारिश होने वाली है, ऐसा मौसम है। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्रेस द बेल आइकन और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से चैनल ग्रो हो जाती है और आप सबका प्यार देखने को मिलता है हमें। निकलते हैं अभी। हाँ जी भाई लोग, तो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अभी पहले हम मस्जिद तक जाएंगे, और यहाँ से 500 मीटर्स मस्जिद आज़म। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये मस्जिद आज़म कहाँ पे? सामने नाकिया पे, इसी रोड पे। आईटी रोड में जरा सामने जाओ, हाँ। तो पार्क के अपोजिट ही है, पास में ही अब पहुँचने वाले हैं हम अब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये रही मस्जिद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कहाँ से हो? कश्मीर से। कश्मीर से चलेगा। नीचे जगह ही नहीं है, तो हमें ऊपर पढ़नी है नमाज। क्या जी, कहाँ वाले थे? मैं आपको क्या लगता है? फॉरिनर नहीं, कहाँ वाले? कश्मीर का। ये क्या, ये कैमरा कैसा चल रहा है काम? बस अल्लाह का एहसान और करम है, उसका एहसान है। सही, उसका भी इंतहा इंसान एहसान है कि उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, बरसातों में भी कोई तिजारत दे रहा है, रोक रहा है, दे रहा है, कुछ तो कर रहा है वो। सही, सुन रहा है बंदे की, लेकिन हम उसकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन बंदे की वो सुन रहा है। आपने इत्र लगाई थी जब मैं अंदर गया था, जी, मेरे हाथ जी। पे वो कौन सा था? थोड़ा आगे करिए आप, कौन सा हाथ? ये हाथ को लगाए थे ना? हाँ, ये जो है कच्ची गली है। दिखाएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी दिखाएंगे। कश्मीर है, कश्मीर सफ़र से आए हैं, सफ़र से आए हैं। इधर ज़्यादा नहीं, थोड़ा इस तरफ लगाइए। हाँ वही है, वही है, वही है। थोड़ी देर जाना थोड़ा, चाहिए थोड़ा, इससे थोड़ा माइंड पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? फेसबुक में वीडियो डालते रहते हैं। ये जो है, ये जो है पावर कम होते रहता है, डाइल्यूट है, ये निकलते रहता है। अलग है, हाँ ये अलग है, वो नहीं है, वो वो नहीं है, वो अलग है, वही मुझे। हाँ ये, हाँ देता हूँ, देता नहीं करता, लेकिन मुझे वो अच्छा खुशबू देता हूँ। बढ़िया दू या छोटा दू? छोटा बचता होता है। 40 समझ गया, आप जो बोल रहे हैं वो समझ गया मैं। तो आपके पास कैश है? मैं एक्स्ट्रा 100 डालेगा, 60 मेरे को कैश चाहिए। हां जी हां जी, अच्छा हां देता हूं, और ज्यादा होना तो भी ले लीजिए मेरी तरफ से तोहफा। नहीं 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 प्लीज, तोहफा मेरी तरफ से एक एक मैसूर वालों की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। आपकी आपकी मोहब्बत नहीं, थोड़ा अदरक मैं दे दूंगा। प्लीज प्लीज, नहीं नहीं, एक एक मेहरबानी प्लीज। नहीं नहीं, एक तोहफा हमारे तरफ से रंदे, एक तोहफा ये दे लो, सेंड किया ले लो। इजाजत है तो लेता हूँ, बगैर इजाजत के नहीं। 60 वापस लेना है ना इनको? हाँ दे रहा हूँ,
दे रहा हूँ आप मैसूर वाले की तरफ से आपको तो आप इतनी खिदमत करते हो इतना अच्छा है पिछले दो दिन से मैं हूँ इधर जी सुरमा वगैरह हो ना नको ना ले लीजिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाम मोहम्मद मोहसिन जी इधर ही से जी क्या करते हैं आप हमारा इधर ही ये अशोका रोड है मैसूर का फेमस रोड है ये अच्छा और ये मस्जिद है ना फुल फेमस है बहुत पुरानी है इधर इधर जो बुनियाद रखे हैं उनका नाम बहुत बड़े वली थे अल्लाह के वली थे उन्होंने ये मस्जिद का बुनियाद रखा उनका नाम जमात अली शाह बोल के हजरत जमात अली शाह उन्होंने इस मस्जिद का बुनियाद रखी ये मस्जिद को मैसूर का किंग राजा रहता ना उसने गिफ्ट दी थी मस्जिद उनकी दरगाह पाकिस्तान में है जमात अली शाह की तब हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था 100 साल हो गए अबे कश्मीर में कहाँ कश्मीर में यूट्यूबर कुछ कश्मीर में कहाँ गया कश्मीर आपको नहीं पता होगा जगह नहीं जगह तो नहीं ना बोले पूछ आई था त्राल इन कश्मीर त्राल उसका नाम है त्राल वही सब पूछा जाको तो नहीं वहाँ आइएगा कभी लास्ट दिल्ली जाएंगे सर 95 अच्छा इधर 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 मैं इधर उजाला बढ़ा देता हूँ आपके लिए उजाला बढ़ा दो आए लीजिए आपको उजाला बढ़ा दिया ये लीजिए बनाने आता नहीं ना मुझे नंबर आ जाएगा ना आपका नंबर आ जाएगा ना हाँ नंबर आ जाएगा ना हाँ हाँ अभी आपका रिचार्ज खत्म हो गया हमारा पैसा खत्म हो गया इधर हाँ पैसा खत्म हो गया हाँ रिचार्ज डालिएगा हाँ आ जाएगा हाँ अभी आ गया अभी आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया इतना प्यार मैंने पहली बार देखा है और बुजुर्ग लोगों से जब प्यार मिलता है ना खुशकिस्मती है मेरी अभी जूता मैंने आंटी के पास रखा था तो तुम भी उधर पैसे भेजो हमें बहुत गरीब है नहीं नहीं शुक्र है खुदा का है ना हाँ नहीं नहीं आपने काम किया ना मेरे लिए मेरा जूता आपने पास रखा हाँ है ना आपकी मेहनत है हो गया शुक्रिया चलो जी आगे बढ़ते हैं सलीम भाई मेरा वेट कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से अस्सलाम वालेकुम आपको बहुत वेट करना पड़ा सलीम भाई आगे आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग्स में दावत पे हम गए थे सलीम भाई के घर बहुत प्यार मिला पूरा घुमाया सलीम भाई ने हमको अस्सलाम वालेकुम आपको आज फिर से तकलीफ क्या ही बोले तो बहुत तकलीफ हो वैसा नहीं बोलने अभी वक्त लगा क्योंकि बुजुर्ग मालूम सभी हाफिज साहब से भी मिला मुलाकात कर रहे थे आपसे हां उधर उधर से बाय कर रहा बाय कर रहा बाय बाय हाफिज साहब बहुत अच्छे लोग हैं जुमा नमाज के बाद अगर आपने मैसूर में ये बिरयानी नहीं खाई तो फिर क्या ही खाया गर्मा गर्म बिरयानी लोगों की भीड़ और उसी भीड़ में सलीम भाई और मैं घुस गए गर्मा गर्म बिरयानी खाने अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप वाह गर्मा गर्म बिरयानी माशाल्लाह इसको थोड़ा सा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा बहुत टेस्टी था और अच्छे लोग तो है ही अभी फुल बिरयानी खा लिया बहुत मज़ा आया अभी हल्की सी बारिश यहाँ पे पता नहीं लगता कब बारिश होती है क्या होता है अंदर गए ना जब धूप थी तब बाहर आ रहे बारिश चले जी आगे बढ़ते हैं हम अपने सफ़र की ओर ये है मैसूरू की गलियाँ मैसूरू का रोड
अच्छा, मतलब गरीबों को बहुत सहूलत है इधर, मुफ्त में खाना चावल मिलता है। मुफ्त में मिलता? मुफ्त में चावल देते ना, एक किलो में एक रुपए में एक किलो चावल डिपो में देते हैं। हॉस्पिटल भी मुफ्त? हॉस्पिटल भी मुफ्त, जितना भी ओपन हार्ट सर्जरी जो भी है स्टंट वगैरह डालने का पूरा फ्री में होता है इधर। पूरा फ्री में? पूरा फ्री में। अभी दिखाता हूँ आगे आपको हॉस्पिटल। तो भाई साहब क्या लग रहा है, 5-7 स्टार होटल है? ऐसा है हाँ। और एक बात बोलूं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के डॉक्टर है ना उतना ही पोलाइटली बात करते हैं, इतना अच्छा मेंटेन करके रखा है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अगर करना होगा ना काम गवर्नमेंट को, जब काम करना होता है तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, नहीं करने पे ना तो कुछ भी नहीं होता, बहाने होते हैं। मैं रहता हूँ त्राल में, त्राल पुलवामा, वहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना इतना गंदा बेड होते हैं, इतना गंदा मेंटेनेंस होता है। मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, अगर मैं अपने कश्मीर की बात करूं, इतने गंदे होते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये देखो भाई, ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लग जाता फिर हॉस्पिटल फिरने में। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ऊपर से फ्री में इलाज यहीं पे होता है। तो कश्मीर में तो मैं बोलता हूँ 90% हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने गंदे होते हैं। पार्किंग के लिए भी कितना अच्छा जगह रखा है, बहुत क्लीन है, गार्डन्स है बाहर से, अंदर भी क्लीन होगा ऐसे, बहुत ज्यादा क्लीन है। आप अंदर है ना हाँ। आराम से नीचे बैठ के खाना खा सकते हैं, आपको फील ही नहीं होगा कि आप हॉस्पिटल में हो बोल के। साफ सफाई तो स्टाफ पे डिपेंड होता है, चाहे स्टाफ चपरासी से लेकर डॉक्टर तक, ये इन्हीं के हाथ में होता है सब। सुकून वाली लाइफ है मैसूर की, ना ज्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगा, ना ज्यादा वो जंक्शन आपको मिलेगा, किसी भी जगह पे आप नहीं फंसेंगे इधर। नोट छापते हैं ना हाँ, वो मशीन इधर ही है, वो भी मैसूर में ही है, उधर भी लेके चलते हैं। अंदर तो बहुत सिक्योरिटी रहता है, बाहर से सब देख के जाएंगे। इसको खाने से क्या है ये? जाम है मैंगन भैया, जाम जाम जाम, पाव किलो भैया 60 रुपए। जामुन टेस्ट मत भैया, इसके अंदर टेस्ट मत, बीन रहता है, खा के सड़ जाना। थोड़ा मुंह में रहता है सीरिया स्वीट वाला, एको तात भाई का अकबर दो देखिए, हां के डाली नहीं मुगता, ज्यादा नहीं थोड़ा है। वो क्या अन भैया ला कट, आई मीन आम तोतापुरी ये स्वीट अन थोका कट, तोतापुरी बोलते हैं इसको। खानी वो नहीं देखा है लेकिन खाया नहीं है, तो ये इधर ही निकलते हैं, इधर ही निकलता है झाड़ में। अभी हमारा आधा दिन बचा था तो सलीम भाई ने बोला रंगाना टीटू जाते हैं, और रंगाना टीटू प्रनाउंस करने के लिए मुझे तकरीबन 50 बार ये नाम बोलना पड़ा। खासियत यहाँ पे ये है कि दूसरे मुल्क से यहाँ परिंदे सैर करने आते हैं, यकीन नहीं हो रहा है ना, चल के देख लेते हैं। इधर की खास बात क्या है, परिंदे जितने जो भी समर में पूरे कंट्री के जितने भी है इधर आके रहते हैं समर में। अभी बोटिंग भी होती है इधर, आगे जाके हम देखेंगे। लिया हमने टिकट 350 रुपीज और बोटिंग भी इंक्लूड, लाइन में रहना है और वहाँ पे हमें बोट मिलेगा, उधर लाइफ जैकेट लगाना है तो फिर आगे उस बोट में हमें जाना है। लेकिन यहाँ से क्रोकोडाइल इतने सारे दिखते हैं ना, उस पत्थर पे दो, वहीं से हमें गुजरना है, और वहाँ की बात करेंगे वहाँ पे भी एक पत्थर पे दो। तो यस लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट पहन लिया है उमर भाई ने, लेकिन एक बात है ना, लाइफ जैकेट तो पहन लिया, अगर गिर भी गए ना मगरमच्छ खा जाएंगे, इसलिए लाइफ जैकेट का मेरे हिसाब से कोई यूज नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ हुआ गिरे तो वहाँ पे वो वेट कर रहे खाने के लिए, अच्छे से खा जाएंगे, ऐसे तो बच जाएगा इंसान लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे, डूबने से बचेंगे खाने से नहीं। पीछे वो हो गया वहाँ पे, चलो चलो भाई अभी राइड हो जाए, मगरमच्छों के बीच में निकलना है। नहीं उधर हो गया फुल, अभी इधर भी बैठ सकते हैं बीच में, टोटल इसमें 15 आ सकते हैं 15। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू।
कहाँ से आप? बैंगलोर से। थैंक यू थैंक यू। जितना हम नजदीक जा रहे हैं उतना आपको डर लग रहा है। और इधर गैप भी है बहुत ज्यादा। नहीं कोई बात नहीं, इन्होंने लगाया ये इसीलिए लगाया इन्होंने सेफ्टी के लिए ना। नहीं कोई मसला नहीं। देख लो अभी हम और भी करीब जा रहे हैं। तो ये सब जो लगाते हैं ना इसमें इधर से, दिस इज फॉर सेफ्टी, क्योंकि ये देखो मगरमच्छ किस हाइट पे होता है, दैट्स व्हाई ये वाला इन्होंने लगाया है इस पे। ये देखो बहुत नजदीक से। ನಿಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ವಾಲಾ ಛೋಟಾ ಹೈನಾ? ಹಾಂ ಇಸ್ಕಾ ಬಚ್ಚಾ ಹೈ ವೋ. ಯೆ ಬಾವಾ ಹೈ, ಯೆ ಬೇಟಾ ಹೈ. ಯೆ ಬಾಪ್ ಔರ್ ಬೇಟಾ. ಅಣ್ಣಾ ಬೇಡ ಅಣ್ಣಾ, ಟಚ್ ಮೀ. ಅಭಿ ಹಮಾರಾ ಯೆ ಡೋರ್ ಖುಲಾ ಹೈ. ಬಹುತ್ ಶಾಂತಿ ಹೈ ನಾ. वो ब्लैक पीट्स है ना, अभी उसका स्टार्ट हुआ है सीजन, आपके नाइजीरिया से आया है ब्लैक बर्ड्स क्या बोल रहे हैं सर? ये नहीं देना हेल्प देला कॉर्मोरेंट, ब्लैक वाला कॉर्मोरेंट और पेलिकन, वार्डिंग पेलिकन ना होता ना, तो पेलिकन ऑस्ट्रेलिया भी, पेलिकन ऑस्ट्रेलिया से आया। ये और आईबीस, ब्लैक एंड आईबीस नाइजीरिया कंट्री, नाइजीरिया से, नाइजीरिया वेट टू लिट और अभी 6 महीने ये इधर आते हैं, 6 महीने ऑस्ट्रेलिया। ये देखो क्रोकोडाइल आ रहा है हमारी तरफ ही, कैसे मगरमच्छ को जबरदस्त फुट बोल रहे हैं। गिर गए तो बस दोनों को खा के पूरे 1 साल के लिए आराम से। हाँ ये चल रहा है ना इधर, कहाँ से आता है वो? इंडिया ही है, लोकल। पहुँच गए वापस। 100 क्रोकोडाइल है सारे कंट्रीज के पूरे। 100 क्रोकोडाइल है इसमें, 100 क्रोकोडाइल। अभी 7-8 ही दिख रहे हैं सभी, अभी इधर उधर थोड़ा आगे उधर चले गए। वैसे रहा सफर, सफर बहुत अच्छा रहा, क्रोकोडाइल ने कुछ बहुत मज़ा आ गया। क्रोकोडाइल ने कुछ नहीं किया, बट सो रहे थे। तो भाई साहब ने जैसे कहा कि 100 क्रोकोडाइल्स हैं इसमें, और ऐसे यहाँ पे कितने हैं? 25 आइलैंड ऐसे हैं, सारे परिंदे, हर कंट्री के परिंदे। बहुत मज़ा आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इस लाइफ जैकेट का यूज़ क्या है, अगर इंसान गिर गया तो मगरमच्छ खा जाएंगे, है ना? चलो फायदा क्या है, बहुत मज़ा आ रहा है। और इतने कंट्रीज से यहाँ पे परिंदे आते हैं, और परिंदे जो है वो खाना देते हैं यहाँ फिश को, और फिश जो है वो खाना देते हैं मगरमच्छ को, ऐसे निज़ाम है अल्लाह का। तो अभी हम वापसी की, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तो अभी 5:30 बजने वाले हैं और हम निकलने वाले हैं वापस रंगनाटी 2 से। तो पहले सोडा पियेंगे इधर, सोडा। इधर डैम है यार इस साइड से, कौन सा डैम बोलते हैं इसको? कैरस डैम। एरिया का नाम क्या है इधर? वृंदावन नाम है इस जगह का, लेकिन यहाँ से आगे नहीं छोड़ते, ये पूरा बंद है इधर से, यहाँ पे काम चल रहा है उधर ब्रिज पे।
शायद ब्रिज में कोई इशू होता है ना, ब्रिज डैमेज होता बोल के इसको थोड़ा स्टॉप किए अभी, बहुत साल हो गए, 10-12 साल हो गए, वरना पहले यही गेट था, यहाँ से ही आदमी लोग जाते थे, आज भी लोग आते थे। अभी पानी ज्यादा हो गया तो कहाँ छोड़ते हैं फिर ये पानी? तमिलनाडु। हाँ कल वो बता रहे थे इसी पे लड़ाई चल रही है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, कर्नाटक के बोल रहे हैं ये पानी हमें चाहिए, तमिलनाडु के बोल रहे हमें चाहिए। अच्छा वृंदावन बहुत जबरदस्त नाम है। अभी हम बढ़ते हैं आगे, पैसे वगैरह यहीं पे बनते हैं सारे, ट्रेन से जाते हैं और छपके ट्रेन से आते हैं। अच्छा ये जो पटरी है खाली इसी के लिए? हाँ उधर गेट लगा के निकले हम। वाह पूरा चेंज करके, ऐसे हमने पूरा चेंज कर दिया, गाड़ी भी चेंज, कपड़े भी चेंज, क्योंकि नाइट व्लॉग करना बहुत ज़रूरी है और कल सुबह हमें निकलना है मैसूरू से। यस अभी अपना बसंती दूसरे पे चढ़ना है। क्या है? मैसूर यूनिवर्सिटी है। मैसूर यूनिवर्सिटी। यहाँ से और एक दिलचस्प कहानी, मुझे तो लगा था पहले 5-स्टार होटल है। ये देखो भाई ये कोई महल नहीं है, मैसूरू का DC ऑफिस है। मैं तो सलीम भाई को बोला था ये महल कवर नहीं किया, और जब सुना DC ऑफिस है तब तो शॉक लग गया। क्या देख रहे हो, ये कोई महल नहीं, ये मैसूरू का रेलवे स्टेशन है। और अचानक से मैसूरू पैलेस पे सभी लाइटें ऑन देख के हम निकल पड़े फ्रंट गेट की तरफ। सोचा था हमारे नसीब में ये व्यू होगा, लेकिन वहाँ कुछ और ही हुआ। एक सेकंड में बंद हो गई लाइट। अरे यार नहीं 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 नहीं, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, उधर लगाएंगे हम। भाई भाई साहब जो मैंने आपको व्यूज दिखाए ना वो मैसूरू पैलेस के थे, मैं स्कूटी पे था एंड मैसूरू पैलेस के वो जो लैंप्स मैंने दिखाए थे फर्स्ट व्लॉग में वो सभी ऑन करके थे अभी, और हमने फ्रंट साइड में आ गए और विद इन 9 सेकंड में लाइट्स बंद हो गई। ये देख सकते हैं आप, ओहो फिर भी खूबसूरत है बहुत। ये देखो भाई कितना खूबसूरत दिखता है ना, ये शाही सवारी शाम के टाइम बहुत खूबसूरत लगता है ये। आप बैठे थे जब लाइट ऑन नहीं था ना? हाँ वो तो मैं दिन में बैठा था। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत, ये देख सकते हैं आप। हाय हाय हाय, अभी ये हॉर्स राइड शाही सवारी हमने की पहले दिन में। अगर किसी ने नहीं देखे है ना व्लॉग्स, एपिसोड 20 है वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। सच में इससे बढ़कर कोई तोहफा नहीं होता है। आप पसंद आया? इससे बढ़कर कोई तोहफा ही नहीं है। और बस अभी ये सिर्फ आप आए कि नहीं आए कि वो पता नहीं था। नहीं क्या तुम लगेंगे अगर तो नहीं हम क्या नहीं बोला तो सबसे बड़ी बहुत खुशी आप हमारे कर रहे हैं, अभी मेरे साथ और एक जुड़ने वाला है राइड पे, है ना इसको डिब्बे में रख देंगे पीछे जो हमारा पैनियर का बड़ा डिब्बा रहता है इसको मैं वहीं उसी में रखता हूँ, फिर हम अपनी इंडिया राइड जो है वो कंप्लीट करेंगे, है ना? हाँ अभी हम रूम पहले होटल जाएंगे एंड यस ये बना के होता है। सुबह मैं निकलूँगा आराम से, मुझे लग रहा है 12 बजे निकलते हैं, चलो फिर आराम से। 2 घंटे का सफ़र है सिर्फ, आप भी काम वाम ख़त्म करके मैं भी आराम से आता हूँ, 12 बजे आते हैं ना। ठीक है आराम करो, आप सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। कुछ नाश्ता लेके इधर, ब्रेकफास्ट इधर ही लेके आओ। नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं लेके, नहीं मैं उठूंगा आराम से लेट, फिर आप उठने के बाद मेरे को फोन करो, आप जब नींद से जाके जब फोन। ठीक चलो उमर भाई, अल्लाह हाफिज़। आराम से पकड़ना। हाँ ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय, टेक केयर। फटाफट से पहले रूम में पहुंचते हैं और यस इतना प्यार मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं जी लगता हूं एडिटिंग के साथ, बहुत सारा काम है, अभी बज गए 11:15, बहुत सारा काम है एडिटिंग करनी है। अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं,
अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और हाँ, इंडिया राइड के सभी एपिसोड्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, एक एक करके देखिएगा ज़रूर। अपना प्यार बरसाएं, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इन सब चीज़ों से चैनल ग्रो करती है।